न्यू सम्स देखिए क्या बोला है, द सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ जेके लिमिटेड ड्यूरिंग द टू इयर्स, दो साल का सेल्स और प्रॉफिट दिया सेम अभी जैसे हम लोग बनाए थे, तो 2018-2019 टोटल सेल्स और दोनों का दिया, टोटल कॉस्ट भी दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स रिक्वायर्ड टू रीच अ प्रॉफिट ऑफ 40,000, प्रॉफिट व्हेन सेल्स 2,50,000, मार्जिन ऑफ सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स 2,50,000। देखिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है 2018-2019, दो साल, क्लियर। ये दो साल का सेल्स दिया है, टोटल सेल्स दिया है 3,40,000, ठीक है, और टोटल कॉस्ट दिया 260,290, टोटल कॉस्ट दिया है 260,290, ठीक है। निकालने क्या बोला है, फाइंड आउट ए नंबर पीवी रेशियो, बी नंबर बीपी सेल्स, सी नंबर बोला है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 40,000, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 40,000, डी नंबर देखिए प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 2,50,000, प्रॉफिट व्हेन सेल्स 2,50,000, और लास्ट वन ई नंबर बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स 2,50,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स 2,50,000। आप देखो यार सेल्स 2,50,000 का तो हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे ही, उसी के साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल लेंगे। एक एक करके देखिए, हम लोग को टोटल सेल्स मालूम है, टोटल कॉस्ट मालूम है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट 2018 का कितना प्रॉफिट होगा। आप देखो तो 3,00,000 टोटल सेल्स माइनस 2,60,000 कॉस्ट, कितना निकला 40,000, और 2019 का देखो आप 3,40,000 माइनस 2,90,000 कितना निकला 50,000, क्लियर। हम लोग को दोनों साल का सेल मालूम हो गया, प्रॉफिट मालूम हो गया। पीवी रेशियो का फॉर्मूला पुट करते हैं, पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला था याद है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। अभी चेंज इन प्रॉफिट कितना है देखिए, 50,000 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, देखो आप टोटल सेल्स 2018 का 3,00,000, टोटल कॉस्ट 260, 40 हो गया, ये 340, 290, 50 हो गया, चेंज इन प्रॉफिट 50 माइनस 40, चेंज इन सेल्स 340 माइनस 3,00,000 इन 200। अब देखिए ये 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इन 200 कितना परसेंट निकला, 25%। पीवी रेशियो कितना परसेंट निकला, 25%। नेक्स्ट बोला है बीपी सेल्स, सेकेंड वाला देखिए बीपी सेल्स, बीपी सेल्स याद है हम क्या बोले थे,
हम लोग को बीपी सेल्स के लिए चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट जानना होगा कितना है। तो देखिए कंट्रीब्यूशन कोई भी एक साल का ले लेंगे, मान लीजिए 2018 का हम बना रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन 2018 का देखो, 2018 का सेल कितना है 3 लाख इंटू 25% कंट्रीब्यूशन का रेशियो है, ये कितना कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 75,000। अब हम लोग को फॉर्मूला मालूम है सी माइनस एफ इक्वल टू पी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, और कंट्रीब्यूशन 75,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट हम लोग को मालूम था देखिए 40,000। देयरफोर फिक्स्ड कॉस्ट कितना निकलेगा 35,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितना निकल गया 35,000। अब पीवी रेशियो बीपी सेल्स का फॉर्मूला पुट करिए, बीपी सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया 35,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 25%, कितना आएगा 1,40,000। बीपी सेल्स कितना आएगा 1,40,000। नेक्स्ट देखिए सी नंबर बोला है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 40,000। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 40,000, 40,000 रुपए कमाने के लिए कितना का सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्लियर किए थे रिक्वायर्ड सेल्स निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन। रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था याद है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना निकला था अभी 35,000, अब प्लस प्रॉफिट हमको कितना चाहिए 40,000। 35,000 प्रॉफिट कितना चाहिए 40,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए 75,000। अब रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन 75,000 डिवाइडेड बाय 25%, 3,00,000। सेम अभी जो हम लोग निकाले वही फिर से आ गया, 40,000 रुपए कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा 3,00,000 रुपए का। नेक्स्ट देखिए डी नंबर क्या बोला है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 2,50,000। डी नंबर प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 2,50,000, 2,50,000 का बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा पहले ये देखो आप, सेल 2,50,000 है तो इसका कंट्रीब्यूशन 25% पीवी रेशियो है, मतलब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ही बोलते उसको, तो ये कितना निकलेगा 62,500। कंट्रीब्यूशन कितना निकलेगा 62,500। अब क्या पूछा है प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला मालूम है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। या तो यह पुट कर देते हैं कंट्रीब्यूशन हम लोग को कितना निकला 62,500 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 35,000 इक्वल टू प्रॉफिट। देयरफोर प्रॉफिट कितना निकलेगा आप देखो, माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा 27,500। और ई नंबर बहुत सिंपल सम्स है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स 2,50,000, तो 2,50,000 तो सेल है ही, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल, एक्चुअल सेल्स माइनस
बीपी सेल्स, तो एक्चुअल सेल्स हम लोग को कितना दिया हुआ 2,50,000 माइनस बीपी सेल्स कितना निकला था 1,40,000 1,40,000 1,10,000 हो गया।